इन कृषि कानूनों को लेकर लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं। जिस तरह से 26 जनवरी का आह्वान किसानों ने किया था कि दिल्ली में हम ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, उसको लेकर किसानों का जो देखिए हजूम सिंगू बॉर्डर पर जो केएमपी केजीपी के पास यहाँ पर दिखाई दे रहा है, 3 से 4 किलोमीटर लंबा ट्रैक्टरों का जो यहाँ पर जाम लगा हुआ है, ट्रैक्टर जो यहाँ पर लेकर पहुँचे हरियाणा और पंजाब के किसान यहाँ पर जो ट्रैक्टर हैं वो लेकर पहुँचे हैं, और कुछ किसान नेता भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका और कहाँ से आप आए हो? राम लंबा, कहाँ से आए? किस तरह से जिस तरह की तस्वीर दिखाई दे रही है, 4 से 5 किलोमीटर केजीपी के पास जो लंबा ट्रैक्टरों का काफिला यहाँ पर खड़ा हुआ, कितने ट्रैक्टर पहुँचने की आशंका? ट्रैक्टर तो लाखों में होगा जी, कोई गिनती नहीं है, अंदाजा नहीं लगा सकते आप। किस तरह की तैयारियाँ 26 जनवरी को लेकर ट्रैक्टर यात्रा की गई है? बहुत शांतिपूर्ण मार्च करेंगे और बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम होगा, बहुत बढ़िया होगा, बहुत ही परेड की फुल तैयारी है। हमारे साथ और भी किसान है, आपका क्या नाम है, आप कहाँ से आए हो? राजेंद्र मलिक, जींद। किस तरह की तैयारी 26 जनवरी को लेकर किसान कर रहे हैं? तैयारी बहुत फुल है जी, ट्रैक्टर इतने ले रखे हैं मोदी जी, वैसे डर जाएंगे, देखिए सारी मांगे मान लेंगे, कानून वापस लेने पड़ेंगे। देखिए किसान कह रहे हैं कि लाखों की संख्या में ट्रैक्टर पहुंचेंगे, जिस तरह से ट्रैक्टर यहां पर खड़े हुए हैं जो पहुंचे हैं हरियाणा और पंजाब से जो किसान ट्रैक्टर लेकर पहुंचे हैं, ये सिंगू बॉर्डर के पास की तस्वीर है जो केएमपी और केजीपी नेशनल हाईवे, जहां पर हरियाणा पुलिस ने रूट को भी डाइवर्ट कर दिया गया था, जो नेशनल हाईवे पर बड़े वाहनों को रोक दिया गया था। जिस तरह की तस्वीर दिखाई दे रही है, ट्रैक्टर भारी संख्या में यहाँ पर पहुँचेंगे। आज 24 तारीख हुई और 24 तारीख को इतनी बड़ी संख्या में जो ट्रैक्टर यहाँ पर पहुंचे हैं दिल्ली में परेड को लेकर, और काफी भारी संख्या में ट्रैक्टरों का पहुंचना आप भी यहाँ पर जारी है, लगातार हरियाणा और पंजाब से ट्रैक्टर यहाँ पर पहुंच रहे हैं, जो ट्रैक्टर के पीछे ट्रॉली है उसमें भी ट्रैक्टरों को लेकर यहाँ रख कर लाया जा रहा है, क्योंकि दिल्ली की जो ट्रैक्टर यात्रा है उसमें किसानों ने शामिल होना है। और वहीं किसान कह रहे हैं कि ये जो 26 जनवरी का पर्व है उस पर अलग अलग तरह की तस्वीरें किसानों के बीच दिखाई देंगी। सोनीपत से पवन राठी, पंजाब केसरी टीवी।